पीयूष 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 भगत। पीयूष उसको पता ही नहीं होगा क्लास है। अभी मैसेज तो देखा होगा ना उसने ग्रुप में। मैथ प्रो डाल दिया मैंने। चलो केस टू करना है, केस वन हुआ था। रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, यही ना। केस वन पूरा लिखवा दिया था, हाँ सर, पैरामैग्नेटिक कंडक्टिविटी इन। अमोनिएटेड चलो इलेक्ट्रॉन लिखा था। फिर केस टू देखना। केस टू, इफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल, अगर मेटल का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो तो ये मेटल हाई कंसेंट्रेशन के साथ प्रेजेंट होगा प्लस NH3, ये एम प्लस इलेक्ट्रॉन। ये जो एम होगा ना, इस पर अमोनिएटेड आयन बोलते हैं इसको, अमोनिएटेड आयन। ये डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक, और ये ब्राउन्ज कलर का होता है। बनाते नोटबुक बनाते हो कि नहीं? बनाते हैं ना सर, हो? डिजाइन हाँ सर अच्छा बनाते हैं, मतलब हम बनाते हैं, बाकियों का भी। बाकियों को पता नहीं। सब बनाते हैं। यस टू, नोट करो जल्दी से। तो संडे टेस्ट में क्या आने वाला है? टेस्ट में एस ब्लॉक और इक्विलिब्रियम, लेकिन इक्विलिब्रियम से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का ही होंगे, एस ब्लॉक से एक आध दो होंगे तो होंगे, नहीं तो वो भी नहीं। करेंगे सर, इक्विलिब्रियम पूरा होगा ना, उल्टा कर सकते हैं। उल्टा बोले तो एस ब्लॉक। हाँ मतलब ऐसा जितना पढ़ा उतना, एक दो इक्विलिब्रियम से। हाँ नहीं, ऐसा एक नहीं हो सकता एक है। बार ऐसा कर लो, मजा आएगा। एक बार फिर पूरा एस वही ब्लॉक, ऐसा पूरा बैठ जाएगा दिमाग में। हाँ तो एक बार रुक जा, अभी एस ब्लॉक पूरा पढ़ाने दे मेरे को, फिर तू जैसा कह रहा है वैसे ही अच्छा ऐसा, करेंगे। मैं ऐसा नहीं, अभी 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 नहीं करो सर। चल, हटाएं क्या? एक मिनट हाँ हटाओ सर, हटाओ सर। मिनट सर। ये रिएक्शन विथ लिक्विड NH3 कौन सा पॉइंट था? सर पॉइंट नंबर 3। सी चलो इसको हटा देना। यस सर। फिर हाँ सर बाद हटा में आप दिया। वो बोले थे कि KMnO4 वाला आप ठीक से लिखवाओगे वापस ऐसा। MnO4 वाला, पर हाँ वो पर्पल वो वाला डायमैग्नेटिक में क्या था? ब्रोंज कलर। उसके बाद कलर। हाँ, तांबा। इसके बाद KS3 लिखना है कि 0.4? अब नहीं, H2 था कि 0.4। अब कार्बोनेट ऑफ अल्कली, किसके साथ कार्बोनेट एंड ऐसे लिख लेना। कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? एक्चुअली? PO3। PO3 ना रे। हाँ सही है, कार्बोनेट एंड वाई कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल। ठीक है, कार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड हो सकता है ये या सर टेंथ मेटल जैसा क्यों लग रहा ऐसा। है? टेंथ में आपने ऐसा लिखवाया था, वो प्राइम प्राइम स्कूल नहीं थी, कौन सी थी? कृष्णा स्कूल में। कृष्णा हाँ वैसे ही है कुछ, मेटल कार्बोनेट स्कूल। जैसे Li2O प्लस CO2, क्या बन जाएगा? Li2CO3। ऐसे ही सबके लिए आप लिख सकते हो Na2O प्लस CO2। ये Na2CO3 प्रोडक्ट में लिखता हूँ, रिएक्टेंट आप लिखना। K2CO3, Rb2CO3, और एक क्या हो जाएगा? CS2CO3। ये काफी अस्टेबल होते हैं, जैसे आपको पता है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हीट करते हो तो किसमें ब्रेक होता है? कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ ये ब्रेक नहीं होता है, ठीक है? अब जबरदस्ती बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर आपने अगर बढ़ा दिया है तो फिर ये भी ब्रेक हो जाता है, ये जितने अल्कली मेटल है वो भी, अदरवाइज ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होता है। मान लो ये 300 डिग्री सेल्सियस पे ये ब्रेक हो रहा है, तो 300 डिग्री सेल्सियस पे इनमें से कोई नहीं भी ब्रेक नहीं होता है। इसके लिए आपको
1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना पड़ता है, तब जाके अल्कली कार्बोनेट ब्रेक होता है। इधर पूरा लिख लोगे ना, K2A+CO2 लिख लेना सब, Rb2O+CO2, नीचे में CH2O+CO2। हाँ सबका लिखना है, हाँ हाँ सबका लिखना है, सब तो लिख ही दिया मैंने, एक बस बचा है नीचे वाला। फिर ये आपने साइड में क्या लिखा 300 डिग्री का? वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा, वो नहीं है। ओके सर, हो गया नोट। उदय बर करो। हाँ मेरा भी हो गया, तेरा भी सबका हो गया मतलब, चलो फिर। पार्थ हो गया तेरा? हाँ सर। देखना नीचे एक पॉइंट चेपना, अल्कली कार्बोनेट साथ, अल्कली कार्बोनेट्स आर हाईली अस्टेबल। एंड हेंस डिकम्पोज नहीं करता है। बट अगर आप कितने के ऊपर लेके चले गए, जैसे अल्कली मेटल 300 नहीं 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले गए, अब जाके ये फिर से किस में ब्रेक हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। अब सोचो ना कि 100 डिग्री सेल्सियस ले जाने पे कितनी दिक्कतें होती है, अब ये 1000 तो बहुत फिर मुश्किलें होंगी। रिएक्शन लिखना। अरे ये किस, ये कौन बक्सा बना रहा, क्या कह रहे हो भाई? रिएक्शन नहीं लिखना है। हाँ जी, में क्या रहे? कंफ्यूजन हो सकता है बाद में। बता देना। हो गया नोट। हाँ सर हटा दो। ये कार्बोनेट मैंने बताया, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? HCO3-. हाँ HCO3, तो जैसे निकालना होगा तो LiHCO3 हो जाएगा, HCO3 होगा, HCO3 होगा, RbHCO3 होगा, CHCO3। ये सब डिकम्पोज कर देंगे, हीट करोगे तो फिर कहाँ पहुंचेगा? कार्बोनेट प्लस में H2O+CO2। इसका फॉर्मेशन वाला रिएक्शन नहीं लिखना हमें? नहीं सर, ऑक्साइड नहीं बचेगा। क्या कह रहे हो? हीट करेंगे बाद में। नहीं नहीं तो यही कार्बोनेट आ गया ना अपने पास, मतलब जिसका भी कार्बोनेट होगा तो उसी का मेटल कार्बोनेट होगा ना। सर इसमें H2O क्यों आया बीच में? क्या बोल रहे हो? NaHCO3। सिर्फ H2 रिलीज होगा, H2O पूरा नहीं होगा। अच्छा इसको अगर अपन हिट करें, ठीक है NaHCO3 को हिट करते, बताओ क्या बनेगा? Na2CO3 हो गया सर। हाँ हटा दो। हो गया सर। चलो ए, अरे ये कौन बार बार ये गंद है? अरे ईशान होगा, ईशान हो सकता है, वो सही, वो कुछ बोल नहीं रहा। ठीक है कोई नहीं, नहीं गया ना ईशान। चल ठीक है, नेक्स्ट में देखना,
ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आता है आप लोगों को? यस सर। वो खाली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही होता है ना? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सीओ थ्री फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चैप्टर इक्विलिब्रियम इतना बड़ा है कि छोटा है? अरे उससे बहुत छोटा है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है ना, इनफाइनाइट चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों में अलग अलग टाइप के होते हैं, इनफाइनाइट चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक होता है केच सीओ थ्री, इसमें होता है डाइमेरिक हाइड्रोजन बॉन्ड। देखना सबसे पहले ये ना, अगर अपने पास HCO3 माइनस इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे होगा? O हो गया डबल बॉन्ड, C हो गया, ऊपर OH आ जाएगा और नीचे क्या आएगा? O पे माइनस, यही होगा ना HCO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाया है। Na HCO3 के लिए पहले बना रहे माइनस वाला Na के साथ, हाँ माइनस प्लस अटैच होता है तो आयनिक अट्रैक्शन होता है ना, तो बस मैंने क्या लिखा है माइनस। अब देखो इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा, चलो दूसरा मॉलिक्यूल फिर से बनाते हैं, एच ओ और इधर क्या पी डबल बॉन्ड ओ और नीचे क्या आ जाएगा ओ पे माइनस। अब बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे कैसे होगा, इन दोनों के बीच में होगा ना ओ माइनस, इसमें ऊपर था, इसमें H ऊपर था, इसमें नीचे, ऐसा क्यों? बात तो बराबर, मेरे को हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना था इसलिए ऐसे दिखाया ना मैंने अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना के। देखो इसका हाइड्रोजन जो है ना, हाँ, इसके ऊपर समझ जाएगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। फिर आगे ऐसे बढ़ते रहोगे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते रहेंगे, यही है मतलब। ये O- के साथ सोडियम तो है ही ना? हाँ, वो माइनस एन ए प्लस होता है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो आता है उससे बॉन्ड बना लेता है। नेक्स्ट है अपने पास HCO3, ये डाइमेरिक है, मतलब इसी का क्या होंगे, बस दो ही मॉलिक्यूल होंगे, जैसे HCO3 में तो इनफाइनाइट वाले नहीं होते। हाँ इनफाइनाइट, इसलिए मैंने डॉटेड दिखाया, अब पैसे लगा लेना इनफिनिटी। डबल बॉन्ड हो गया ओ पे माइनस, इसमें देखना C हो गया O H और इधर O पे माइनस और ये डबल बॉन्ड O, दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, नोट करो। हो गया नहीं नहीं यस हो गया नोट नहीं 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 रुको एक मिनट जब देख हो गया सर, हो गया फिर हटा रहे, हो गया रे सबका। एक एक मिनट सर, भंडारी इतना लेट से। अरे सर 30 सेकंड हुए थे अभी तो। 30 सेकंड है तो अब 30 मिनट चाहिए क्या तेरे को? नहीं नहीं हो गया हो गया हो गया, 30 सेकंड बहुत होते किसी भी काम के लिए। तीस सेकंड में लिख नहीं पाते, चिन्मय से पूछ, चिन्मय 30 सेकंड काफी है ना?
चिन्मय क्या कहते हो नेक्स्ट है पॉइंट बनाने कौन सा आएगा चिन्मय तो बोले करती है स्मृति से कम है फिफ्थ फिफ्थ मैं देखना नाइट्रेट्स एक नाइट्रेट होता है एक नाइट्राइट होता है ध्यान रखना नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है एनओ थ्री माइनस और थ्री माइनस जितना भी अल्कली मेटल है ना अल्कली मेटल नाइट्राइट अल्कली मेटल नाइट्राइट सॉरी नाइट्रेट इसको जब आप हीट करोगे ना तो ये मेटल नाइट्राइट में जाएगा मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन जैसे एग्जांपल देखना NaNO3 है इसको अगर आप चेपो हीट करो तो क्या बन जाएगा NaNO2 प्लस में क्या होगा O2 O2 सबके लिए होगा एक्सेप्ट कौन सा लिथियम LiNO3 इसको जब आप अगर हीट करोगे ना Li2O प्लस NO2 प्लस O ठीक है ध्यान रखना ये सबके लिए वैलिड है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम MCO MNO3 हीट करोगे तो क्या बन जाएगा MNO2 प्लस में O2 और M इक्वल टू क्या होगा सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये नहीं होगा देखना इसके बाद क्या बोल रहे हो नेक्स्ट है अपने पास जितना भी अल्कली मेटल नाइट्राइट है वो सारे डिकम्पोज होके किसमें आएंगे नाइट्राइट में प्लस O2 एक ही एक्सेप्शन है कौन हाँ लिथियम वाला लिथियम में प्लस लिथियम तो भी होगा ना नेक्स्ट में सल्फेट नहीं सिक्स पॉइंट थोड़ी होगा O2 के साथ NO2 आता है सर ये सिक्स पॉइंट है ना हाँ हाँ अल्कली मेटल सल्फेट ठीक है अल्कली मेटल सल्फेट्स ऑन फ्यूजन विद कार्बन फॉर्म्स मेटल सल्फाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही टपाका गैस होती खतरनाक किसी को ऊपर पहुंचाना है ना तो काम में ले सकते हो यूज कार्बन मोनोऑक्साइड तुम लोग कभी स्कूल नहीं खुला ऑनलाइन चलता है क्या हाँ सर सर हमारा खुल गया है लेकिन उसमें जिसको आना हो आ सकते हैं ऑनलाइन तो चल ही रहा है क्लास में ऐसे जाए ऑनलाइन अच्छा, एग्जाम जब हो ना तो हमेशा बोलना घर से ही देंगे वहां पे आके नहीं देंगे ठीक है तो वो तो सर घर पे ही देनी है एग्जाम तो हाँ एग्जाम तो घर पे ही देना एम टू एस ओ फोर प्लस कार्बन एम टू एस प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड यही मेटल सल्फाइड है ना मेटल सल्फाइड हेडिंग बना रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म
केमिकल प्रॉपर्टीज हाँ खत्म हो गए। इसके बाद ग्रुप टू ना, इसके बाद इसके कुछ कुछ कंपाउंड आते हैं ना, जैसे पढ़े ना मेटल एंड नॉन मेटल वाले में लास्ट में कुछ कंपाउंड होते हैं, उनके प्रिपरेशन होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। हाँ सर, बस वैसे ही होंगे इसके भी कुछ। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देखना, Li2SO4 Na2SO4 वाटर में ना। हाँ वाटर में सॉल्युबिलिटी ऑर्डर लिख लेना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर K2SO4, इसके बाद Rb2SO4 और लास्ट में Cs2SO4। सेम किसके लिए होने वाला है, जो SO4 का है ना वही किसके लिए होने वाला है, CO3-2 के लिए। वही किसके लिए होने वाला है, OH के लिए। वही क्या होने वाला है, HCO3-, मतलब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इनक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? इसमें सिंबल वही होंगे ना, ग्रेटर देन ग्रेटर देन। वो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पढ़ाया था, जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होता सॉल्युबिलिटी उतना ही क्या होती, ज्यादा होती। उसके अलावा किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी पे। मतलब अगर ये कोई भी आगे लग जाए तो ऑर्डर सेम ही रहेगा ना। हाँ हाँ SO4 हो गया या फिर CO3 हो गया या फिर OH हो गया या फिर बाइकार्बोनेट हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ सर, नेक्स्ट में देखना हो इसको हटा देना। यस सर। एक ये इम्पोर्टेंट है जो नोट एक्सेप्शन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बार बार हमेशा घुसेड़ के पूछता। चार ऑप्शन में एक BaOH होल्ड ट्वाइस, और ये यहाँ पे SrOH होल्ड ट्वाइस, CaOH होल्ड ट्वाइस, MgOH होल्ड ट्वाइस, लास्ट में BeOH। इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसके अलावा ये जो हो गया ना अपने पास BeSO4, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ये ग्रुप तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अब सॉल्युबिलिटी पढ़ देने तो एक साथ पढ़ लेते अपन, इसीलिए लिखा देता हूँ BeSO4, MgSO4, CgSO4, SrSO4। आपको मैंने एक लिस्ट बनवा के दिया था। कौन सा लिस्ट? अरे पजान स्कूल पढ़ा रहा था तो लास्ट में कौन कौन से लेबल होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पजान स्कूल में सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हाँ सर, वो निकाले, वो तो बुक चेंज हो गई उसकी। बुक चेंज हो गई मतलब नई बुक, वो खत्म हो गई। चेक कोई नहीं, अब नोट कर लो अभी। तो दो ही एक्सेप्ट करना ना। हो गया सर, ये नोट हटा दे। यस सर, मतलब बाकी जो ये नॉर्मल चले CO3-2 और HCO3-2 तो सेम ही रहेगा ना, OH2 OH- जैसा ही। नेक्स्ट में एडिंग बनाना। ट्यूब्स क्या कर रहे थे अब तक तुम? भूल गया था, मुझे लगा थर्सडे से क्लास। ओह, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल। अपने जो सिलेबस में है ना, चलो उसकी बात नहीं करते अभी। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल, ऑक्सीजन से जितना रिलेटेड होता है पता है ना, एक तो नॉर्मल ऑक्साइड होता है,
और परोक्साइड होता डाइऑक्साइड है, और एक क्या होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। पता कैसे चलेगा? ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान में रखोगे, -2 -1 और ये -1 -2। ये पता है ना +2 भी होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का। एक ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो। CLO2 नहीं रे, CO2 नहीं, नहीं कौन सा क्या बोले तुम? CO2 CO2 में तो माइनस में -2। देखो ऑक्सीजन तो जनरली माइनस में ही शो करता है लेकिन प्लस में शो किया है, इसका मतलब ये जिसमें टिपका होगा वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहा होगा ना। F2O Cl2O ऐसा कुछ। O2 F2। F2 का तो फिक्स ही है ना, एक का माइनस बनता दो का -2। हाँ में आ रहा है तो यहाँ पे एक एटम का कितना हो गया, ये तो +1 वाला है वो F2 होता है, तो ये +2 हो गया और ये -2। -2 मतलब +1 भी शो करता है। ठीक है, +1 वाला कौन सा कंपाउंड है? O2 F2। और बताओ OF2 मतलब ये +1 और +2 ये नहीं है ना, और बाद में सब जगह सी एफ की जगह सी एल डाल दे तो भी चलेगा ना? बाद में एफ की जगह सी एल डाल दे तो भी चलेगा नहीं, वो जो कंपाउंड होगा ना अनस्टेबल होगा क्योंकि दोनों का साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे आपने देखा होगा SF6 देखे हो ना कंपाउंड सल्फर, हाँ लेकिन HCl6 आपको नहीं मिलता होगा कहीं पे, जबकि दोनों देखो सेम ग्रुप का फ्लोरीन क्लोरीन। अरे सल्फर का साइज भी इतना बड़ा, क्लोरीन का साइज इससे थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा ना, हाँ सर, सही से बॉन्ड ही नहीं बना पाता है इसलिए अनस्टेबल होता है, लेकिन सल्फर क्लोरीन में अच्छा खाता साइज का डिफरेंस होने के कारण ये बन जाता है, ये बॉन्ड अच्छे से बनाता है। तो ये तो मैंने ऑक्सीजन का बस इंट्रोडक्शन दिया आपको कि अगर ऑक्साइड है तो -2, पर ऑक्साइड -1, सुपर ऑक्साइड -1/2। ठीक है, अब कौन +1 वो भी पर सुपर ऑक्साइड में आता है? नहीं नहीं +1 ऐसे नॉर्मली ही बोलते हैं, +1 +2। +1 तो तभी प्लस वाला ऑक्सीडेशन नंबर तभी शो करेगा जब वो किसके साथ हो, फ्लोरीन के साथ। अगर वो नोट करना था नहीं किए क्या? नहीं चलो ये पहले भी करवाया था ताकि हो गया। बता दें सबको हो गया? हाँ यस सर। देखना नेक्स्ट में ऐसा है, कुछ जनरल रिएक्शन पहले वो पढ़ लेते, जैसे सोडियम प्लस एयर ये आपस में जब मिलता है तो Na2O2 बनाता है, पहले भी करवाया मैंने आपको। फिर से सोडियम अगर आप लगाओगे तो ये Na2O में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा तो कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है कि सोडियम प्लस एयर, और ये ना लिख करके डायरेक्ट वो क्या लिखता है Na2O, तो आप समझ जाना है कि पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बनता है, फिर से सोडियम लगाते हो ना तो ये बनता है। ये देखो यहाँ पे Na2O2, बताओ ये कौन सा ऑक्साइड यूज हुआ है? पेरोक्साइड। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड है बस, नॉर्मल ऑक्साइड। अगर आप सुपर ऑक्साइड का एक बार बता दो ना बापू, उसमें क्या होता है? सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में ना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वैसे ही पता चलता है तो ठीक है। हाँ ऑक्सीडेशन नंबर सही कितना था? एग्जांपल है सर, क्या बोला था आपने, क्या बोल रहे हैं? -1/2। जैसे एग्जांपल में कौन सा O2F2 का +1 था। हाँ जैसे K2O में देखो पोटेशियम का फिक्स है ना, कितना है? +1। अच्छा तो ये इसमें तो नहीं आएगा, किसमें आएगा? तो नॉर्मल ही है। KO2 में देखो +1 +2x इक्वल टू क्या हो गया? 0।
तो 2x की वैल्यू माइनस वन पे x की वैल्यू माइनस वन पे, जिसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस हाफ हो गया वो क्या हो गया सुपर ऑक्सीड। इसके अलावा कभी एक्सेस में ऐसा आ गया, एक्सेस में नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट, नाइट्राइट लिखा है मैंने और नाइट्रेट, अगर ये एक्सेस में है ये दोनों में से कोई भी, और इसका रिएक्शन सोडियम के साथ आप करवाते हो तो फिर ये N2 गैस रिलीज करता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता इतना लंबा चौड़ा, वो बस क्या पूछेगा, बोलेगा इसमें इसमें रिएक्शन हुआ ना तो कौन सा गैस रिलीज हुआ, नीचे चार चिपका देगा सोडियम ऑक्सीजन फलाना ढिमका ये सब, पूरा रिएक्शन क्यों नहीं पूछता, गैस रिलीज होता है वहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। ये सिर्फ एयर के लिए ना, इन दोनों सर ये NaNO2 और NaNO3 का एक्सेस होगा तब, हाँ इन दोनों में से कोई एक एक्सेस हो गया और सोडियम के साथ रिएक्शन कर गया तो N2 गैस प्लस Na2 हो देता है, हो गया सर नोट। ओके चलो हो गया सर, जो जो अपने सिलेबस में कंपाउंड पढ़ना है ना वो सबसे पहला है, पहले तो इसको हटा दो ये सबसे पहले वाला है NaOH, नाम सुने ना इसका सोडियम हाइड्रो हाइड्रो, कॉमन नेम क्या होता है कॉस्टिक सोडा ऐसा कुछ होता है, कॉस्टिक कॉमन सॉरी कॉमन ट्रैप को लिख रहे हो तो आर्ट है कॉमन शॉर्ट तो NaCl NaCl तो वही तो कॉस्टिक सोडा तेरे को आ रहा है क्या आ रहा है वही इनमें आराम आराम से चल बोल क्या बोलना चाह रहे हो दिख रहा ऐसे मत बोल मुझे आ रहा है मेरे ओ ओ वो भी आ ही गया हेडिंग बनाओ NaOH केमिकल नेम फलाना कॉमन नेम ठीक है फिगर विगर बनाना आता है ना तुम लोगों को अरे वो मतलब ये डायग्राम की बात वो तो चीन में ही बना सकता है बस क्या चीन में और किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है ना चिन्मय तो ये है इतनी वास्तव है और एक्सपीरियंस जो होता है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का वो चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो आज नहीं कल तो तेरे को काम देगा वो क्या कह रहे हो पर वो ऐसा थोड़ी ना होता है ये किस फील्ड में समय लाता है ना एक्सपीरियंस ऐसा रिएक्शन सबसे पहला ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस ये तो 10th क्लास वापस आ गया हां तो 10th वाला ही है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ चल बताओ ब्राइन किसको बोलते हैं NaNH4 नहीं ब्राइन NaOH प्लस वाटर का मिक्सचर नहीं NaCl प्लस Cl 70% और 30% शायद नोट कर लो तो अब जैसे हो जाता है एक एनोड होता है ठीक है अभी सारे कुछ मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ बट मैं पहले जो इम्पोर्टेंट है कैथोड पे जो गैस रिलीज होती है H2 होती है और एनोड पे जो गैस रिलीज होता है वो कौन सा होता है Cl2 जो बाई प्रोडक्ट होता है वाई प्रोडक्ट NaOH ठीक है नोट करो अभी सेल बनाते हैं अपन अरे अच्छा वो बना हो गया कितनी बार बनाया वो तो एक एक प्रैक्टिस पेपर में तीन तीन आते थे ऐसे प्रैक्टिस पेपर किसी का ना हो हो गया नोट सर अब बनाओ क्या क्या बनाए रे
अच्छा अभी रिज्वाइन करना है ना, ये बनाते बनाते चल पड़ेगा। चलो अभी एक मिनट है, एक मिनट और 20 सेकंड, एक मिनट में डायग्राम बन जाए। पर हम चेप नहीं पाएंगे ना एक मिनट में। चल फिर आ जा, आ जा, ठीक है, आ जा जल्दी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बनाए ना? यस सर। चल देखना अब इधर डायग्राम। एक तो पहले डब्बा बनाना होगा अपने को यार, ये ले लेते हैं डब्बा और एक ले लेते हैं ऐसा, ये इलेक्ट्रोड है यहाँ पे। वाह, एक इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, दोनों इक्वल बन गए। ठीक है ना, कहीं से ज्यादा नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, कोई भी मॉडल नहीं, नहीं सर, बराबर है। चलते इसके बाद देखना, अब इसको प्लस माइनस आप लगा दो, एक यहाँ से एक यहाँ से। गूगल से उठा लो इससे अच्छा। पीडीएफ पढ़ा है, भेज दे फिर पढ़ लोगे। ए पाल बता मेरे को सही है, डिब्बा बंद क्यों है? डिब्बा सर जस्ट जोकिंग, मन के लिए तो खोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक साइड नेगेटिव। सर हम डिब्बा खोले या बंद रखा बोलो? बंद ही रखो ना, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो कैथोड या एनोड? एनोड। एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल गुड हो गया तो एनोड नाम दे देते हैं। एनोड। एनोड। इधर वाले को कैथोड। 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 ये सीधे सीधे क्यों नहीं रख सकता? रोटा क्यों रखा है? अनायन एनोड पे जाएगा, कैटायन कैथोड पे जाएगा। बताओ एट एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? एट एनोड पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। नहीं सर, H2 जा रहा है ना एनोड कैथोड पे। ऑक्सीडेशन। एट कैथोड पे कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन। ये ध्यान में होगा, एनोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हमेशा कौन सा रिएक्शन होने वाला है? रिडक्शन। ठीक है, तो एनोड पे देखना Cl- माइनस से कहाँ पे जाएगा? Cl2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, सॉरी माइनस वन है, यहाँ पे जीरो। अरे माइनस वन से जीरो गया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन है ना? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा। यहाँ पे दो हो गया और दो इलेक्ट्रॉन आपको बैलेंस करने, तो इधर चेपे दो तभी बैलेंस होगा ना। कैथोड पे ध्यान से देखना, कैथोड पे अपना कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? H2 गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो एट कैथोड जो होगा
सोच करके बताओ क्या रिएक्शन लिखेंगे। अरे एच टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन वो राइट साइड में एच टू देखना इधर एच टू मतलब एच प्लस होगा ना तो अपने को रिडक्शन चाहिए तो प्लस वन और ये एच टू दो इलेक्ट्रॉन इधर हो गया दो प्लस चार्ज है तो दो माइनस भी चेपना होगा आपको तो ये कितना है दो माइनस बताओ यहाँ पे प्लस वन है यहाँ पे कितना है जीरो प्लस वन जो हुआ क्या हो गया रिडक्शन नोट करो जल्दी से हो गया सर हटाए ना फिर डायग्राम चेप लियो अच्छे से रुको ना सर ये किसने कौन बनाते यार बताना एक बार मेरे को कुछ नहीं बोलने वाले अपन मेरे को ऐसा लग रहा है भंडारी बना रहा है मैं नहीं बना रहा भंडारी नहीं मुझे तो चिन्मय लग रहा है सर चिन्मय ईजान हो सकता है चीन में ये सब काम नहीं करता वो कोई दूसरा काम कर लेगा ये वो कोई और बॉक्स बनाते है ये जो छोटा मोटा काम है चीन के लिए हाथ नहीं मारता है बड़ा हाथ मारता है हाथ नहीं मारता है कहाँ पे रे अरे सर स्क्रीन पे ऐसे डिजाइन करने स्क्रीन पे फिर हाथ कहाँ पे छिपा के रखता है ये जो हाथ नहीं मारता है तो सर वीडियो ऑन करके देखा है तो पता चले अरे ये ऐसा सब नहीं देखना है ये थोड़ा ज्यादा अश्लील मोह हो गया है नहीं पर अश्लील हो गया ना सबका तो हो गया यस सर नेक्स्ट में ऐसा है अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ एनएच अरे एक बेसिक कैरेक्टर याद है या भूल गए तुम लोग एक दूसरा सीडियम हाइड्रोक्साइड है किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है सर एक NaOH है दूसरा सीजियम हाइड्रोक्साइड है किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा NaOH का NaOH सर OH का हाँ उदय कहाँ गए तुम सर मेरा नेटवर्क इश्यू आपकी आवाज नहीं आ रही थी अब जा रही है हाँ अब आ रही है नोट करो NaOH इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे कॉमन पॉइंट वाओ सेकंड ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एक अमॉर्फस सॉलिड होता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है और अमॉर्फस क्रिस्टल के फॉर्म पाउडर जैसा होता है क्रिस्टलाइन शेप नहीं होता उसका उसका नहीं होता है क्रिस्टल जैसा शेप हो गया एक्चुअली वो रेगुलर नहीं होता है अब देखना इसके साथ कितने आलतू फालतू रिएक्शन चलते हैं SN plus NaOH तीन का सर Na2SNO2 SNO2 ओहो प्लस H2 गैस नेक्स्ट में ऐसा है Pb plus NaOH ये बनता है Na2 PbO2 प्लस H2 जिंक प्लस ये तो टेंथ में पड़ेगा सोडियम जिंक सोडियम जिंक 2Zn जिंक पहला वाला सोडियम स्टेनेट होगा ना सर लिखना है ये रिएक्ट हाँ लिखना है सारे रिएक्ट ये बता क्या होगा सोडियम एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनेट H2
रिएक्शन है, एग्जांपल नहीं है, इससे रिलेटेड रिएक्शन है। रिएक्शन विद रिएक्शन सर बीच में अटक गए थे और अटक गए थे बीच में एंड CO2। ठीक है, NaOH के साथ बहुत सारी रिएक्शन चलती है, कल पूरी पूरी क्लास अपन रिएक्शन पे ही रखेंगे। किसके साथ सर आप वापस अटक गए? वापस अटक गए। अच्छा हाइड्रोलिसिस समझ में आता है? हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्शन। अच्छा चलो फिर ठीक है, इसके बाद जो भी है बहुत सारे रिएक्शन है कल अपन करेंगे। ठीक है तो थर्ड पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे ना? थर्ड पॉइंट से नहीं, फोर्थ पॉइंट से करेंगे। जो भी थर्ड फोर्थ लिखना तो उसी में है अपने को। ठीक है फिर मिलते हैं कल की क्लास में।